नमस्कार, आज आईटी वॉइस के आईटी टॉक्स में हमारे साथ समाजसेवी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनिल खंडेलवाल जी हैं। यह अपने शेपिंग फ्यूचर कॉन्सेप्ट के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गुणवत्ता से भरपूर बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी मदद कर उन्हें शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग मुहैया करवा रहे हैं। आइए जानते हैं श्री अनिल खंडेलवाल जी से शेपिंग फ्यूचर कॉन्सेप्ट के बारे में। नमस्कार, आज अपने आईटी वॉइस के अंदर हमारे साथ में हमारे मेहमान अनिल खंडेलवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये 38 साल से ये राजस्थान के अंदर अपनी प्रैक्टिस दे रहे हैं और इस 38 साल के अंदर इन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय हैं और मैं इनको जानता हूं एक नए काम के लिए जिसका नाम है शेपिंग फ्यूचर, जो लोगों के लिए आज की डेट में जो नए जो बच्चे ऐसा हैं या फाइनेंशियली नहीं है, पढ़ने में अच्छे हैं, उसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और एक अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अनिल जी से जानना चाहेंगे। अनिल जी, आप पहले अपने बारे में बताएं। तरुण जी, बेसिकली मैंने 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी और सीए करने के बाद मैंने कोई 11 साल नौकरी की और पिछले 27 साल से मैं अपने सिंडिकेशन ऑफ लोन्स उस प्रैक्टिस में हूँ। आपने तो फिर आपने पूरा एक उतार चढ़ाव देखा होगा, क्योंकि जब आपका इतना बड़ा प्रैक्टिस हो गया तो मैं कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जब मैंने भी अपना व्यापार चालू किया था तब एक आता था टैक्स पेड, फिर आ गया वैट, फिर आ गया जीएसटी, तो आपने तो सारे उतार चढ़ाव अपने इस लाइफ में देख लिए होंगे जो इंडिया इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और उसके लिए काम आया। देखिए, किसी के भी जीवन में या हर एक के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं और अप्स एंड डाउन्स को किस तरह से डील करना है वही लाइफ है। जैसे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रोफेशन में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो हमने अच्छा टाइम भी देखा है, बुरा टाइम भी देखा है, लेकिन एक कंसेप्ट होता है दिस टू शैल पास। तो हमें अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए और बुरे टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो बदलता ही रहता है। चलिए अनिल जी, अपन अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो शेपिंग फ्यूचर जो कॉन्सेप्ट है जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है और ये सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिट है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बेसिकली एक स्टेज के बाद कोई भी आदमी सोचता है कि बहुत कमा लिया, अब हम कुछ सोसाइटी को वापस करें। देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी। और स्पेशली ये करीब 60 इयर्स के आसपास ऐसे भाव आते हैं, तो कुछ लोग मंदिरों में दान करते हैं, कुछ लोग गौशाला में दान करते हैं, तो कुछ लोग भिखारियों को दान करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लब्स में दान करते हैं। लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज जिसमें सबसे कम लोग दान करते हैं। मंदिरों का उन्हीं मंदिरों में दान दिया जाता है जिनमें बहुत पैसा आता है, जैसे तिरुपति के बालाजी हैं, मोती डूंगरी है, देवी देवी हैं। बेचारे उस मंदिर वाले को कोई नहीं पूछता जो कि चौराहे पे एक छोटा सा मंदिर लेके बैठा है, उसकी रोजी रोटी नहीं चलती है। नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि जो एफ्लुएंट है उसको और एफ्लुएंट बनाना है और जो गरीब है उसे और गरीब बनाना है। तो दिस इज वन। सेकेंड थिंग इज गौशाला, गौ हमारी गाय हमारी माता है और इसको लेके अनडाउटेडली सब लोग इसमें बहुत डिवोटेड रहते हैं, लेकिन अंधा दान है वहाँ भी। कैसे, हम तो चार बोरी जो है वहाँ चारों भिजवा देते हैं, लेकिन उस चार बोरी का हो क्या रहा है वहाँ। कई बार 100 गाय होती है उसके लिए 500 बोरी पहुँच जाती है, क्योंकि आँख बीच के उनका तो ये है कि हमने तो दान कर दिया उसके बाद भगवान जाने, लेकिन वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिमिलरली रोटरी क्लब में या ऐसी जगह चला जाता है, उसका एग्जैक्टली हमें यूसेज मालूम नहीं होता। लेकिन शिक्षा के लिए दान ऐसा दान है जो एक बच्चे को पूरे परिवार में आप शिक्षा दें तो ना केवल पूरी फैमिली बल्कि उसके आने वाली जनरेशंस वो तड़ जाती है और यही नेशन बिल्डिंग के काम आने वाला है। मंदिरों में दान
नेशन बिल्डिंग के काम नहीं आने वाला। हमें सबसे पहले अपने ह्यूमैनिटी की तरफ काम करना चाहिए, ना कि अंधविश्वासों की तरफ करना चाहिए। इस सब को लेकर हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं जो बच्चे बेहद नीडी हैं, बेहद गरीब हैं, उनके माँ बाप 2-4 रुपया सैकड़ा पैसा लेके फिर फीस भरते हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनका IIT या NIT में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, नहीं क्योंकि फीस का पेमेंट नहीं हो पाता है, इसके लिए उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। एक डेटा के अनुसार बहुत सारे बच्चे इसलिए सुसाइड भी कर लेते हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो मेरिटोरियस हैं, प्रोडिगस, लेकिन उनको कोई पैसा देने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोचा ऐसा बच्चा जो कि बेहद नीडी है लेकिन बेहद मेरिटोरियस है, वो आर सीकर में 95% 98% मार्क्स, दे आर टॉपर्स, लेकिन माँ बाप के सामने दुविधा यह है कि इसको पढ़ाएंगे कैसे, ये इंजीनियर बन सकता है, ये IIT में जा सकता है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है, ये CA कर सकता है, नहीं कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि उन बच्चों को, उनके बच्चों के भविष्य को संवारा जाए, इसलिए इसका नाम शेपिंग फ्यूचर रखा गया। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छी चीज़ है और सुन के भी अच्छा लगा। हाँ, ये एक बात आपने भी सही कही कि है ना, स्वास्थ्य में और शिक्षा में इस समय दान की या सरकार की पहल की ज़्यादा ज़रूरत है। धर्म अपनी जगह पे अपना कार्य कर रहा है, करता आ रहा है, और धर्म का काम अपनी तरफ से चलता रहेगा, धर्मार्थ अपनी तरफ से है, पर हाँ, शिक्षा को अगर आगे चलेगा तो देश भी तरक्की करेगा। तो हमें शिक्षा की तरफ आपने जो आइडिया निकाला ये अच्छा है। ये आपने शुरू कब से किया शेपिंग फ्यूचर? देखिए, शेपिंग फ्यूचर मैंने हम लोगों ने जनवरी 2022 से इफेक्टिवली शुरू किया, और उसमें कंसेप्ट यही था कि जो बच्चे CA मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ UPSC कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी मीन्स जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। कारण क्या है, व्हाट इज शेपिंग फ्यूचर? ऐसे बहुत सारे दानदाता हैं जो इस सब के लिए पैसा देने को तैयार हैं, ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको ऐसे पैसे की जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का संगम नहीं हो पा रहा है। एंड शेपिंग फ्यूचर इज नथिंग बट मैच मेकर। हम दानदाताओं को ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं और उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स गुड है। ये इसके अंदर आपने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट जब किया, आपकी पहल, पहली आपकी पहल होगी, फिर आपने शायद किसी को कमेटी बनाई होगी या कोई अपने को क्लब बनाया होगा, ऐसा कोई इसका सिस्टम है क्या, इसका प्रोसेस? देखिए, हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है वो एक NGO बना लेते हैं, लोग बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, और बैंक अकाउंट में फिर वो लोग इधर उधर जाते हैं कि सर हम ये काम शुरू करें, आप हमें चेक दे दीजिए, कुछ फंड्स दे दीजिए, तो उससे हम इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पैसा है वहाँ झगड़ा भी है। सही। ओके। और जब हमें सोशल सर्विस ही करनी है प्योरली विथ प्योर हार्ट, तो हमें किसी का पैसा लेने की जरूरत क्या है? एक जो पंडित है वो क्या करता है, वो भगवान को अर्पण जो करवाता है वो यजमान के हाथों ही करवाता है। तो हम बिल्कुल उस कंसेप्ट पे चले कि डोनर से ही हम उस बेनिफिशियरी की फीस का पेमेंट उसके डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में करें। हमें पैसे ही भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि आज हम देने की स्थिति में हैं, चाहे हमारा समय हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो। तो भगवान ने जो हमें आदेश दिया है, भगवान ने जो हमें सक्षम बनाया है, हम उस कार्य को करें। हम दूसरे का पैसे लेके हम अपने पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी क्यों क्रिएट करें? तो हमने ऐसे दानदाताओं को ढूंढा जो इस चीज के लिए पैसा देने को तैयार है। उनकी हमने एक लिस्ट बनाई, जो लोग भी 50,000 रुपये से ऊपर इसको कमिट कर रहे हैं, वी नीड ओनली कमिटमेंट फ्रॉम देम, बिकॉज कमिटमेंट अगर पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, यू नो व्हाट इज कमिटमेंट? कमिटमेंट एक ऐसा अनपेड लोन है जो जब तक नहीं पे किया जाए तब तक वो कमिटमेंट अधूरा रहता है। और कोई भी अच्छा आदमी, क्रेडिबिलिटी वाला आदमी अपना कमिटमेंट से, छोटे से कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। ये सोच के हमने करीब 180 डोनर्स आज हमारे पास हैं, जिसका कंट्रीब्यूशन
इन टर्म्स ऑफ कमिटमेंट करीब 4.5 करोड़ रुपया डेढ़ साल के अंदर हमारा हो गया है। और जो बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं उसके लिए हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है, क्योंकि ऑफकोर्स आएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन सीए की जो इंट्रीकेसीज है, सीए का एवोल्यूशन है, ये बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर का तो एक डॉक्टर ही कर सकता है, वकील का वकील कर सकता है, एक यूपीएससी का जो कैंडिडेट है उसके एक आईएएस कर सकता है। तो इस तरह से हमने 6 आदमियों की कमेटी बनाई विद रेपुटेड एडवाइजर्स। तो आज हमारे पास करीब करीब 250 लोगों की टीम ऑल इंडिया बन चुकी है। That's good. और उसका एक प्रोसेस है, और प्रोसेस सरकार से बिल्कुल भिन्न है। एक अभी एक केस बताता हूँ आपको, एक केस जो कि दमोह एमपी में है, एमपी दमोह है, उसमें एक बच्चे के जो पेपर्स हैं वो दिन में 1 बजे प्राप्त हुए, 1:20 पे अप्रूवल, 1:20 पे मैंने सबमिट किया प्रपोजल, 1:30 बजे अप्रूव हुआ, और शाम को 8 बजे मुंबई से पेमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड शिपिंग फ्यूचर। हमारे यहाँ कोई फाइल नहीं चलती है, व्हाट्सएप पर ही पेपर आ जाते हैं और व्हाट्सएप पर ही अप्रूवल हो जाती है। हम बच्चे की 3 चीजें चेक करते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड। हमारे क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता है उस हिसाब से उसको प्लेस करके अप्रूवल आ जाती है और पेमेंट। कमिटमेंट के मामले में डोनर्स हमारे सबसे आगे हैं। क्योंकि मैं अनिल जी, मेरे को याद आ रहा है कि मैं आपसे मार्च 2023 में मेरी आपकी मुलाकात हुई थी शेरेटन के अंदर, एक आईटी का प्रोग्राम था, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ तो रेगुलर रहा था, पर मैं जब मिला था मेरे को पहली बार लगा कि आप वो सज्जन हैं जिनका नाम बड़ा था और ग्राउंड लेवल पर आपने जो वर्किंग कर रहे थे, देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मैंने कहा ये चीज़ अच्छी है कि आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं। और इन चीज़ों के अंदर जो आपने जो चीज़ बताई है उसको सुनकर भी एक अपने आप में ऐसा लगता है कि नहीं, क्या ऐसा भी कोई प्रोसीजर है, ऐसे भी लोग बाग हैं जो अपने वचन के लिए टिके हुए, क्योंकि ये वचन की बात कहें तो एक वचन लोगों को याद आता है कि हाँ राजा दशरथ ने केकों को दिया था प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये अपने सनातन संस्कृति में कहते हैं। और कमिटमेंट में मैं मानता हूँ कि हाँ आपके जितने भी डोनर्स हैं वो सब अपने कमिटमेंट में वैसे पूरे रहेंगे। इसी कड़ी के अंदर जैसे आपने अभी जो बताया कि जैसे बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं या ये करते हैं, तो इन बच्चों से भी फिर बाद में आप कोई पैसा बैंक में लेते हैं क्या करते हैं कि बच्चों ने आज आपने उसको ये लोन दिया है या उसको आपने बॉन्ड इंटरेस्ट दिया है, किस तरह से आप उसको देते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। एक्चुअली नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है कि बच्चे पे दबाव बना रहे, इसके लिए जो भी संस्थाएं होती हैं वो या तो लोन दे देती हैं। अब देखिए 4 लाख रुपया कोई स्कॉलरशिप में नहीं दिया जाता, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया स्कॉलरशिप में दिया जाते हैं, 10,000, 15,000, 20,000। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग उसको एज लोन दे देते हैं, कुछ लोग नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं ताकि उस पर एक भाव बना रहे, वो बच्चा लोन पे करे नहीं करे ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हमारे दानदाता ईमानदार हैं, अपने कमिटमेंट में हमेशा आगे रहते हैं, आज तक हमारा करीब करीब 45 लाख रिलीज हो चुका है। दैट शोज कि हमारी केवल बातें नहीं है कि केवल कमिटमेंट नहीं है, रिलीज भी हो चुका है। तो वो हम ये मानते हैं कि 80% के बच्चे हमें पे बैक करेंगे, लेकिन इसके लिए हमने क्या किया, बजाय उनसे पैसा वापस मांगने के, वी हैव ऑल्सो टेकन कमिटमेंट फ्रॉम देम कि जब वो बच्चे इस लायक हो जाएंगे, उनको एक अच्छा पैकेज मिलेगा, तो वो आगे 2 शिपिंग फ्यूचर के बच्चों को भी मदद करें। इस तरह से हम एक चेन ऑफ काइंडनेस बनाना चाह रहे हैं कि 100 बच्चे अगर 200 बच्चों की मदद करते हैं और 200-400 भी करते हैं तो लेट इट मल्टीप्लाई, लेट इट बिकम ऑटोनोमस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट इज अ गुड वे कि जैसे कि जो बच्चे को जो मिल रहा है तो वो भी अपनी तरफ से कमिटमेंट दे रहा है, वचन दे रहा है कि इन फ्यूचर इफ आई एम कैपेबल एंड दिस ऑल तो आई विल आल्सो गो फॉर वन ऑफ मल्टीपल ऑफ द, बिल्कुल। दैट्स
अच्छी बात लगी ये चीज को सोच के कि हाँ नहीं ये अच्छा है। अब आपका ये सारी जो चीज अभी आपने बताया कि आपने 45 लाख रुपए का आपने किया और ये सब कुछ किया, सरकार की भी इस पे कोई ना कोई नजर होगी कि नहीं आप ये बना रहे हैं तो इसकी भी बैलेंस शीट बनती होगी, इसका हिसाब किताब होगा या ऐसी कोई ऑडिटिंग वगैरह होती होगी, ऐसी कोई इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है या सिर्फ नहीं नॉर्मल कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसको समझते होंगे कि इसके पीछे अगर अकाउंटेबिलिटी आती है तो जिम्मेदारी और सरकार की तीसरी आंख आ जाती है। देखिए ये एक बड़ा स्मार्ट मूव है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एनजीओ बनाते हैं तो हमारी एक लाइबिलिटी होती है, देयर आर टू मैनी कंप्लाइंसेस, टू मैनी, आपको ऑडिटेड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, आपको पीरियडिकली इलेक्शंस कराने पड़ेंगे, आपको मिनट्स लिखनी पड़ेगी। ये आजकल क्या है कि एनजीओ भी सरकार के राडार में है, और जैसे मैंने आपको बताया अगर हमें सेवाएं करनी है तो बजाय हम कंप्लाइंसेस पर ध्यान देने के हम अपने सेवा पर ध्यान दें, तो इसलिए कंप्लाइंस हटाने के लिए हमने कोई एनजीओ नहीं बनाया। So, there is no entity as such. It is just a group of people. अब मान लीजिए मैंने आपके लड़के के लिए अपने फ्रेंड की लड़की बता दी, इसमें एनजीओ बनाने की क्या जरूरत है? कोई बच्चा मेरी नज़र में आया और मैंने कहा तरुण जी एक 50,000 रुपये से इसकी मदद कर दो, इसकी फीस डायरेक्ट जमा करो, इसमें वेयर इज द नीड ऑफ फॉर्मिंग एन एनजीओ? आई डोंट अंडरस्टैंड। उल्टा आप अपने ऊपर लाइबिलिटी ले रहे हैं क्योंकि जिनका आप पैसे लेंगे उनके लिए आप जवाब दे दिए हैं, तो आपको उनका पीरियडिकली हिसाब देना पड़ेगा, सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, इनकम टैक्स को जवाब देना पड़ेगा। वी आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज ऑब्लिगेशंस कंप्लीट, दैट इज द सीन। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मतलब इसका मतलब हो गया यू आर नॉट मेंटेनिंग एनी ऑफ द बैंक अकाउंट, आपके पास में नहीं है, आपके पास में कोई एनजीओ नहीं है, और एक मतलब बिल्कुल ही एक ऐसा लग रहा है कि आप एक ड्रीम वाली दुनिया के अंदर आप काम कर रहे हैं। ये नहीं आपने बोल दिया काम हो गया और एंड माइल तक पहुंच भी गया, और उसके अंदर इसके बाद में हम इसको वापस से यदि अकाउंटेबल करते हैं कि नहीं हाँ ये पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्रॉस चेक वगैरह ये भी फिर तो कुछ तो करते होंगे ना? नहीं, इसमें देखिए क्या है, जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ तो बच्चा डिमांड करता है कि मेरी इंस्टीट्यूट की ये फीस है, तो बाकायदा जैसे IIT NIT है उनके बाकायदा चार्ट होता है, फीस चार्ट होता है, उनका बैंक अकाउंट होता है, ऐप होती है, उस ऐप से हम डोनर से डायरेक्ट पेमेंट करा देते हैं। अच्छा। तो जो रिसीट है वो डोनर के पास डायरेक्ट आ गए, ठीक है, वो डोनर उस रिसीट को हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे डाल देता है, हम उस रिसीट को व्हाट्सएप पे बच्चे के पास भेज देते हैं, सो द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीट एंड कन्फर्म। ओके ओके, इसमें भी हम बिना पैसे के लेन देन किए भी हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं ताकि एक बच्चे को यह मालूम पड़े एट द एंड ऑफ द डे कि उस पर कितना पैसा खर्च हुआ है और कब कब हुआ है, और डोनर को भी यह मालूम रहे कि मैंने कब कब इस बच्चे पर पेमेंट किया है। ओके, तो ये भी एक अकाउंटिंग होती है, लेकिन डोनर के पास ये सारे रिकॉर्ड होते हैं और डोनी के पास ये सारे रिकॉर्ड, दैट इज द ब्यूटी। इसके अंदर आप लोग जैसे आज की डेट में एजुकेशन जो कहो तो ये अपने अपने पूरा पूरा व्यापार हो चुका है। जी जी जी। तो आप सिर्फ इसको क्या सरकारी एजुकेशन में पैसा दे रहे हैं या प्राइवेट एजुकेशन के लिए पैसा दे रहे हैं? करेक्ट। या फिर आप जैसे लोग बाग बच्चे जो पढ़ने के लिए प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं आप उसमें भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इसकी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली क्या है कि ये जो बच्चों की फीस है हम लोगों ने कहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को पहुँचना चाहिए, मतलब अधिकतम बच्चों को पहुँचना चाहिए। अधिकतम बच्चों को कैसे पहुंचेगा? हमारी एक कंडीशन नीडी एंड मेरिटोरियस, नीडी भी होना चाहिए मेरिटोरियस भी होना चाहिए। केवल नीडी 50% मार्क्स लेके आए वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर मनी। एक मेरिटोरियस है मान लीजिए कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है 98% लेके आए, ई डज नॉट नीड एनी सपोर्ट, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू दैट। तो नीडी एंड मेरिटोरियस दोनों चीजें जरूरी हैं। तो इसके लिए अब ऐसे जो बच्चे हैं तो अब मान लीजिए किसी बच्चे का किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, 1 करोड़ रुपया लगेगा। अरे भाई जो EWS जो बच्चे आते हैं 5 लाख रुपया 5 साल में खर्च होता है, 20 बच्चों को सपोर्ट करेंगे? जो बच्चा मेरिटोरियस नहीं है इसलिए तो प्राइवेट में गया। ओके हाँ। तो इसलिए जो भी सरकारी कॉलेजेस में है प्रीमियर इंस्टीट्यूट बेट टू, क्योंकि व्हाट वी वांट कि जैसे बच्चा क्वालिफाई करे एम्प्लॉयर्स या कंपनीज या कॉर्पोरेट्स उनके सामने खड़े रहेंगे आओ
हम तुम्हें प्लेसमेंट देते हैं। सही। जैसे एक हमारी बच्ची का एडमिशन ये सिलेक्शन हुआ, 21,00,000 का पैकेज लगा उसका, तो बिकॉज शी डिड सीए। तो अगर हम मान लीजिए किसी बीकॉम के बच्चे को करेंगे तो उसके क्या क्या प्लेसमेंट आएगा? अगर प्लेसमेंट नहीं आएगा तो आगे चेन टूट जाएगी, आगे वो किसी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि आगे आगे से आगे चेन तैयार रहे, इसलिए नॉन परफॉर्मर्स को हम लोग डील नहीं करते हैं। प्राइवेट कोचिंग का जहाँ तक सवाल आया, यस, जैसे जेईई के लिए, नीट के लिए, सीए के लिए, सीएस के लिए, यूपीएससी के लिए इनको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने इस तरह से 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि जनरस है, वो ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट, जिनका मानस है उनको हमने अपने पैनल पे ले लिया है। तो जो बच्चे हमारे स्क्रीनिंग कमेटी से पास होते हैं, दे आर सो काइंड एनफ कि हमारे बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोचिंग इतनी महंगी है कि अगर पूरे कोर्स के लिए 5,00,000 रुपए लगते हैं तो कोचिंग के भी 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। सही माने, बट सर दे आर सो जनरस, सो मैग्नानिमस कि वो फ्री देते हैं। सबसे अच्छा लगा कि मतलब पहली बार हमें को सुनकर लग रहा है कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स भी फ्री में बच्चे को पढ़ाते हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने भी हमारे मॉडल को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से एक्सेप्ट किया है कि हम लोगों ने 2 सरकारी इनिशिएटिव्स के साथ MOU किया है। एक सरकार ने अभी एक पहल करके शुरू किया है, बहुत अच्छा एक प्रयास है उनका। पहले अनुकृति थी इस तरह से, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट को वो सब्सिडाइज करते थे। अब उन्होंने क्या किया है कि खुद ने कोचिंग इंस्टीट्यूट कोचिंग अरेंजमेंट कर लिया। उन्होंने एक पहल के तहत करीब 22,000 स्कूल से और करीब 500 कॉलेजेस से इस तरह से टाई अप किया है कि ऑनलाइन कोचिंग हो जाए उन लोगों के बच्चों की। तो इवन इफ किसी के 70% आते हैं मार्क्स, 80% आते हैं, तो वो नजदीक के स्कूल में जाके कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। तो शेपिंग फीचर का उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ, और शेपिंग फीचर के पास ऐसे जो बच्चे आते हैं वो उनको रेफर कर देते हैं, और उनका जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमारे पास भेज देते हैं। तो इस तरह से 12 onwards वी कैन टेक केयर ऑफ दोस स्टूडेंट्स। इसी तरह से राजस्थान फाउंडेशन के साथ अभी रिसेंटली हमारे एक MOU हुआ है, एंड देयर बीन सो काइंड एनफ, उन्होंने कहा हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो हम आपके पास भेज देंगे, और अगर एब्रॉड की ओर से स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन रेफर फॉर अस, दैट इज इट। कड़ी से कड़ी जुड़ती है। अब इसके अंदर एक चीज हो गई, जैसे हम लोग आईटी में कहते हैं डेटा माइनिंग, जी, तो अब आपके लिए तो डबल माइनिंग हो गई। एक तो आपको स्टूडेंट की माइनिंग करनी पड़ेगी कि हु इज द नीडी और हु इज द मेरिटोरियस, और सेम एज द माइनिंग फॉर हु इज द जेन्युइन डोनर्स, यस, जो अपने कमिटमेंट पे रहे। बिल्कुल, ये दोनों माइनिंग आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे करते हैं? बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये कि पहले अपन डोनर्स पे आते हैं। डोनर्स 99% तो वो हैं जो मेरे को जानते हैं, एंड दे हैव ट्रस्ट इन मी, दे हैव ट्रस्ट इन मी, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो बच्चा मैंने रेफर किया उसके सारी स्क्रूटनी करें, उन्हें इतना मालूम है बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप। तो जहाँ स्क्रीनिंग कमेटी ने उनको अप्रूव कर दिया और हमारे कहते ही कभी मैंने नहीं सुना किसी डोनर ने मना किया हो पेमेंट के लिए, और आज पेमेंट के लिए बोला है तो मैक्सिमम दूसरे दिन पेमेंट हो जाता है बच्चों का। तो ये जो डोनर्स, ये जो डोनर्स हैं हाई नेटवर्क्स वाले, हाईली रेपुटेड हैं, दे विल नॉट अलाउड टू गो देयर एस्टीम यू नो डाउन, कि एक 50,000 लाख 2 लाख रुपए के लिए वो अपनी इज्जत खराब नहीं करें। सही बात है, और इट इज़ नॉट एट द गन पॉइंट जो हमने उनको कहा आपको ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इट इज़ वॉलेंटरी, ठीक ना सर। प्लस कुछ डोनर्स को CSR का भी बेनिफिट मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे मिल रहा है, जो आपके NGO तो रजिस्टर्ड है नहीं, तो सिंपल है, हम लोगों ने एक विमुक्ति संस्था है उससे टाई अप किया कि जिनको CSR के बेनिफिट चाहिए वो पैसा आपके पास जमा कराएंगे, और आप हमारे शेपिंग फीचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस का पेमेंट आप डायरेक्ट कर दीजिए विमुक्ति ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। विमुक्ति, तो ऐसा हुआ और विमुक्ति ने ये सेवा फ्री दी, और 1% भी पैसा वो निकाल, दे आर ऑल्सो जनरल। तो यू नो गुडनेस ऑलवेज प्रिवेल्स,
और आज ही मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी भी दुनिया में ट्रस्ट है, 98% लोग अच्छे हैं, या तो सरकमस्टांसेस गलत बनाते हैं या गलत कंपनी उनको गलत बनाती है। आज जहाँ तक डोमेन्स का सवाल है, हम जो बच्चा IIT में पढ़ रहा है, NIT में पढ़ रहा है, जो CA कर रहा है, वो झूठा नहीं हो सकता। देखो सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाते हैं, उसका अलॉटमेंट लेटर है, उसकी जो फीस है, आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, प्लस हम उसके मकान की फ़ोटो ले लेते हैं, उसके माँ बाप की फ़ोटो ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ले लेते हैं, जो जो बैंक की पासबुक है उसकी एंट्रीज ले लेते हैं। और क्योंकि जब पैसा डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जमा हो रहा है तो फर्जी बड़े का सवाल ही नहीं। सही बात है, डेट इज द थिंग। तो इट इज़ अ फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें ना तो ऑफिस बेयरर्स और शेपिंग फीचर के हाथ में पैसा आता है, ना बच्चे के हाथ में पैसा आता है। बच्चा नहीं, सबके सब जनसेवा में, सब जनसेवा में। लगी क्योंकि इसके अंदर आपने एक जो एड ऑन इसमें किया कि आपने एक NGO के साथ में टाई अप कर दिया और जो CSR के साथ में उनको जो बेनिफिट दे रहा है, तो इसमें तो और भी कई कंपनीज और भी कई ग्रुप्स आपके साथ में अलाइन। इसका ही इज द लिमिट, इसका ही इज द लिमिट। तो यदि जैसे मैं देखता हूँ कि जो प्राइवेट कोचिंग वाले भी होते हैं, जो मेरिटोरियस जो बच्चे होते हैं, पहले उन्होंने अपने घर में बैठ के पढ़ाई करी हुई है, तो आई जस्ट सीन अभी वन एक मैंने मूवी देखी है, सर करके मूवी देखी, उस मूवी के अंदर ये हुआ कि उस टीचर ने बच्चों को, वो धनुष साउथ इंडियन का, तो उसने 45 बच्चों को उसने कोचिंग दी और 45 के 45 बच्चे मेरिटोरियस बने। बट व्हाट्स हैपन कि जो प्राइवेट एजुकेशन सेंटर्स हैं वो उन्होंने सारे बच्चों को अपने यहाँ पे अपने पैनल पे डाल और दे कमिट्स की नहीं आपकी आगे की फर्दर एजुकेशन, फर्दर ये वगैरह हम आपको दे देंगे, ये दे देंगे। तो वो एक तो लालच वाला काम कर रहे हैं, और पर आपके केस में एक चीज हमको जो अच्छी जो लग रही है कि यहाँ वो बच्चा जो हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी जा रही, उसकी इमेज वहीं की वहीं बरकरार है, और वो बाजार में अपने स्वाभिमान से रह जाता है। क्योंकि ये लोग जो प्राइवेट एजुकेशन वाले हैं वो सर मूवी को देख के लोग लगा कि वो बच्चों का स्वाभिमान भी खरीद रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ, कभी कभी हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें उसका चाचा या फूफा या साला या मामा जो है वो तो एफ्लुएंट होता है, लेकिन बच्चा बहुत गरीब होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं भाई तुम मामा हो, तुम जीजा हो, तुम क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। नहीं, यू सी बच्चे का अभिमान उसमें खत्म होता है। अभिमान का मतलब स्वाभिमान वो खत्म होता है, क्योंकि मामा या फूफा जो भी होगा वो बच्चा जब भी सामने जाएगा तो वो बड़ा कृतज्ञ सा फील करेगा कि ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। सही बात है। ओके, और वो जो आदमी है जो ये मामा फूफा है उसकी आंखों में भी एक ये रहेगा कि ये मेरा एहसान मान रहा है या नहीं मान रहा है। जरूर। तो एक बहुत अच्छा शेर है वो ये है कि ए मेरे दोस्त मुझ पर बस इतना एहसान करना, ए मेरे दोस्त मुझ पर इतना एहसान करना कि तुम भूल के भी मेरे पर एहसान मत करना। तो आदमी जैसे शिपिंग फीचर इज एन इंस्टीट्यूशन, शिपिंग फीचर से 100 बच्चों ने लिया है, 101 बच्चों ने ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। सही बात। तो उसे उस बात की शर्म नहीं रहेगी, रादर गर्व के साथ कहेगा कि किसी ने मेरे पोटेंशियल को, किसी ने मेरे मेरिट को सम्मान दिया है, इसीलिए तो पैसा दिया है ना। सही बात। इसलिए पैसा दिया है, तो इसलिए क्या है कि उसका भी मन करेगा कि इन्होंने मेरी हेल्प करी है तो मैं भी 2 बच्चों को हेल्प करना चाहूँगा, और इस तरह से चेंज बनेगी। बहुत अच्छा लगा अनिल जी इस चीज़ को लेते हुए कि मेरे को कई चीज़ों में लगा कि आप लोगों ने जो वर्क किया उसके अंदर आपने आने वाली पीढ़ी का स्वाभिमान को बरकरार रखते हुए और उसके जो आने वाला जो उसका कहेंगे कि लाइफ है उसको आपने सही में जो नाम आपने रखा है शेपिंग फ्यूचर, तो उसका आपने भविष्य को एक अच्छे रूप में आपने उसको शेप दिया है। क्योंकि मैं भी जब आपसे दिखा जुड़ा तो मेरे को भी लगा कि नहीं मैंने भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मेरा भी एक कमिटमेंट है, वरना ये नहीं चलता कि मेरे को ये कमिटमेंट आपका पूरा करने का मौका देंगे। क्योंकि आपके जो नंबर की एक लिस्ट जो आती है उसके अंदर शायद मेरा नंबर 14-15 नंबर पे आ रहा है, तो क्या ये सीरीज पे आप लोगों को ऑफर देते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, आई एम श्योर ये रिकॉर्डिंग मेरे को मिल जाएगी क्योंकि इस रिकॉर्डिंग से बहुत लोगों को फायदा होगा। और इसमें ये बात और मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये निस्वार्थ काम था,
इसलिए मीडिया ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, आप जैसे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, शाहनवाज भाई हैं न्यूज ऑफ द डे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, राजस्थान पत्रिका निहार कोठारी जी, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर में अभी कुछ दिनों पहले मिस्टर एन रघुरमन अय्यर, उन्होंने काफी बड़ा आर्टिकल लिखा था। भाई अगर हमारी कोई एनजीओ होता तो ऐसे एनजीओ बहुत हैं जो पैसे लेते हैं और इस तरह का काम करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज ए ग्रेट पॉइंट इन इट अगर इसी के लिए बने। लेकिन क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, हम किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है, एंड दैट इज वेरी देयर हेल्पिंग। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग इस हवन में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। जी वही चीज लग रहा है कि वचन जो दिया है तो मेरा वचन कब पूरा होगा। हाँ, अब इसका क्या है, इसका भी क्या है, जैसे हम लोगों ने किसी से 85,000 रुपए का कमिटमेंट लिया, किसी से 1,00,000 का लिया, किसी से 5,00,000 का लिया, और किसी ने 12,00,000 रुपये परिणाम भी लिया, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं पड़ जाते कि तुमने 5,00,000 दिया है तो 5,00,000 जब तक तुम्हारा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम केवल तुमसे लेते रहेंगे। तो 5,00,000 रुपए भी कई बार 2 साल और 3 साल में खत्म होता है, बिकॉज लिस्ट ऑफ डोनर्स हमारे पास बहुत है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हर एक का 20% ऑफ देयर कमिटमेंट वो एन कैश करा के उसको पहले यूज करें, तो सभी का नंबर आने दें, यह रेडिंग नहीं आते। मतलब जैसे आहुति के लिए आपने 5 थालियां ले ली सबका आहुति, तो हम ये नहीं कहते कि तुम पहले अपने ये खत्म कर दो, फिर उसके बाद तुम कर दो, फिर उसके बाद तुम कर दो, सब अपने अपने ऐसे थोड़ी थोड़ी देते जाओ। तो उससे क्या है कि एक जने पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, एक जने का कैश फ्लो खराब नहीं हुआ, सबका नंबर अपने आप That is a beauty. मतलब आपने इस अपने इस पूरे यज्ञ के अंदर एक यजमान नहीं रखा, हमें सबको यजमान बना दिया। That's too good. आज बहुत अच्छा लगा मेरे को अनिल जी के साथ में, क्योंकि मैं इनसे मिलता रहा और सुबह भी मिलता हूँ कई बार, बैडमिंटन भी हम खेल रहे हैं उनसे, लग के मेरे को लगा कि नहीं इनके इस निस्वार्थ काम का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है, इनकी इस आहुति के अंदर हम लोग भी कुछ ना कुछ जो सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग तन मन धन के अलावा आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि इनका मकसद पैसा बांटना नहीं है। चेटिंग फ्यूचर का मतलब पैसा, जैसे इन्होंने बताया कि दान धर्म करके देना नहीं है, ये लोगों का बच्चों का भविष्य बनाने के लिए ये वर्क कर रहे हैं, और वो बच्चों का जिनको जरूरत है, जो मेरिटियस है, उन सारे बच्चों के लिए। इस कड़ी के अंदर मैं इनकी तरफ से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर आपकी नजर में भी कोई बच्चा ऐसा है जो नीडी है, मेरिटियस है, और जो अपना स्वाभिमान बरकरार रखना चाहता है, उसके बारे में आप जानकारी हमें दें, हम अनिल जी तक पहुंचाएंगे, इनकी संस्था तक पहुंचाएंगे, और कोई जो आदमी इसके अंदर अपने निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहे वो भी इसमें आगे आ सकता है। इसी के साथ में अनिल जी का मैं कुछ और कहना चाहूंगा। देखिए आपने जो बात कही, इसमें सेवा तीन तरह से हो सकती है, तन मन और धन, ठीक है, इसमें हर एक को मौका है। तन, जिसके पास धन नहीं है, मीन्स समय है, समय है लेकिन भावना रखता है, मन है, मन भावना, तो तन में भी मन चाहिए। एक के पास धन है लेकिन तन नहीं है, मतलब समय में नहीं है, इन दोनों केस में मन की जरूरत है। तो जो लोग तन दे सकते हैं, मतलब जो बच्चे ढूंढ के हमें रेफर कर सकते हैं, उनका स्वागत, और जो धन देना चाहें कमिटमेंट दें उनका भी स्वागत। तो तन मन धन, इसका एक अनोखा संगम है। और आप मैं आईटी वॉइस का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में, काफ़ी डिटेल में शिपिंग फीचर पर डिस्कस किया, और हमारी वेबसाइट है विच इज़ www.shippingfuture.in, और एक ईमेल एड्रेस है shippingfuture2021@gmail.com, और आई एम सो थैंकफुल टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इस वीडियो से, इस समझ से 2 बच्चों का, 5 बच्चों का, 10 बच्चों का भला होगा, कुछ लोग और जुड़ेंगे हमारे साथ, और ये सरिता बढ़ती रहेगी। आई टी वॉइस भी आज इस चीज़ के लिए बहुत कृतज्ञ मानता है कि इस जो कहेंगे शिक्षा का जो एक यज्ञ चल रहा है, निस्वार्थ यज्ञ चल रहा है, उसके अंदर आहुति देने का हमारे को एक इस तरह का भी प्रयास मिला, और ऐसे ही प्रयास हमारे को मिलते रहे, और हमारे जो बाकी जो रीडर्स हैं,
व्यूअर्स हैं उनसे भी कहेंगे कि आप आगे आएं और इसी कड़ी के अंदर हम अगली बार और भी इसी तरह से और लोगों से जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आईटी वॉइस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।